हर्ष आराम से राघव, जख्म अभी तक भरा नहीं है। वक्त हर जख्म भर देता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी हर्ष? अब ठीक हूँ। मुझे तो लगता था कि वो आत्मा दिल ही चुरा कर ले जाएगी तुम्हारा। किस्मत अच्छी थी कि बच गए। आपको तो बहुत खुशी होती ना अगर वो मेरा दिल निकाल लेती। किसी ना किसी दिन हम में से एक की बलि चढ़ ही जाएगी। आत्माओं से लड़ने के लिए कुर्बानी तो देनी ही होगी। तो फिर तुम क्यों नहीं लड़ते ना आत्माओं से? मैं बहुत लड़ा हूँ, बहुत लड़ा हूँ मैं। तभी तो इतनी आत्माओं को पकड़ सका हूँ। चुप हो जाओ। मैं दिन रात तुम्हारी बात नहीं सुन सकता हूँ। चुप हो जाओ। अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। दुर्जन नाम है मेरा, दुर्जन। देखा 50 बार मरते मरते बचाऊ आत्माओं की लड़ाई में। इस बार कौन सी आत्मा से टक्कर लेनी होगी हमें? मकड़ी 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 बनकर आया है वो। मकड़ी? डॉक्टर, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या इनके हाथ पर बांधना जरूरी है? देखिए, ये एक बार पहले ही आपकी और अपनी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं और मौका मिलने पर दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं। सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। ये मकड़ी ने कैसे इनका दिमाग खराब कर रखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी आंख से वाकई मकड़ी निकली थी क्या? आंख में से? हाँ डॉक्टर। इट इज नॉर्मल, आंख में तो जख्मी नहीं है। लेकिन डॉक्टर, इनकी आंख में से मकड़ी को निकलते मैंने खुद देखा है, बल्कि उस मकड़ी ने तो मुझ पे भी अटैक किया था। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इनकी आंख में मकड़ी गई कैसे। आपको पूरा यकीन है कि आपने मकड़ी आंख में से निकलते हुए देखी थी? हाँ डॉक्टर। मैं ऐसी किसी भी बीमारी को नहीं जानता जिसमें मकड़ी आंख में से निकलती हो। एक्चुअली इन्हें मकड़ियों से फोबिया है। इन्हें मकड़ियों से बहुत डर लगता है। दिन रात उस डर में रहते हैं। कई बार रात में भी सोते सोते उठ जाते हैं और मकड़ी मकड़ी चलाने लगते हैं। मैं इसीलिए घर में हर दूसरे हफ्ते कीड़े मारने की दवा छिड़कवाती हूँ ताकि कोई मकड़ी पैदा ही ना हो। इन्हें जब ये अटैक आया था उस समय इनकी बोलचाल कैसी थी, मतलब इनका व्यवहार कैसा था? ये चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उदास थे, खुश थे? हाँ, ये कुछ परेशान से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो। अगर इंसान को कोई गहरी परेशानी हो या कोई सदमा लगा हो तो वो अचानक ऐसी चीजें देखने लगता है जिनसे उसे डर लगे। मेडिकल भाषा में इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन? यस, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। घर आने से पहले इन्हें कुछ ऐसा सदमा लगा होगा। डॉक्टर, कुछ तो हुआ होगा। डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, वार्ड नंबर 13 के पेशेंट को फिर से दौरा पड़ा है। ओह माय गॉड, चलो।
गुरजन जाओ जाकर देखो कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने उसकी ये हालत कर दी है। जाओ जाकर देखो, जल्दी जाओ जाओ। पल्स रेट नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। वेरी गुड मिस्टर राजेश, अगर इसी तरह हालत में सुधार आता रहा तो आप बहुत जल्द वापस घर जा सकेंगे। नर्स, तुम यही रहना और ठीक 8 बजे इन्हें दवाई देना। जी डॉक्टर। क्या आपको कुछ चाहिए? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अपनी पलक एक बार झपकना, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो 2 बार झपकना, ठीक है? नहीं, ठीक है, अब आप आराम करिए, मैं यहीं पर बैठी हूँ।